behalf of all the children that we work with, all the youth that we work with. I have been personally working, having had a lot of international experience for last 3 years extensively in Noida. Gautam Budh Nagar mein hum log slums mein, galiyon mein, har jagah kaam kar rahe hain. Aur aaj tak ek bhi case aisa nahi hua jahan hame kabhi unsafe feel hua. So thank you so much. Here is my team, our NGO partners. हम लोग कहाँ तक नहीं चले जाते हैं और निडर होकर काम करते हैं. तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. हमने बहुत सुना था आप लोग नोएडा में इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आप कैंपस से बाहर जाएंगे, आप लोगों को लगता नहीं है कि रिस्क है, चेन स्नैचिंग होगा, ये होगा, बच्चे आपके सेंटर से, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट्स सो पीसफुल एंड इट्स सो गुड. आई थिंक यू हैव चेंज द इमेज ऑफ वंडरफुल. Thank you so much on behalf of the HCL family. A little bit about HCL. HCL is a $10 billion company headed by Mr. Shiv Nadar. And now his daughter, our vice chairperson, Mrs. Roshni Nadar Malhotra, she's also entered the business. Humne Noida se hi shuruaat ki aur Noida hamara home city hai. और हमें कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गैरेज से हमने कंपनी शुरू की हमारे फाउंडर चेयरपर्सन मिस्टर शिव नाडर ने. हालांकि वो साउथ से आते हैं, मदुरई से आते हैं, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज लिया कि हम यूपी में एक ऐसी कंपनी शुरू करेंगे जो लाखों हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी. और हम आईटी के क्षेत्र में काम करेंगे. 42 ईयर्स नाउ एक गैरेज से एक इंसान ने जो कंपनी शुरू की अपने कुछ पार्टनर्स के साथ में, आज वो एक $10 बिलियन कंपनी है और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक योगदान हमारा है यूपी में. आई एम श्योर यू आर अवेयर गौतम बुद्ध नगर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द 25% ऑफ इकोनॉमी ऑफ यूपी एंड व्हाट यू डू हियर मैटर्स टू एवरी इकोनॉमिक गेन दैट वी हैव. आर क्लाइंट्स फील वेरी सेफ. आज हमारे पास 80 से ज़्यादा देशों से क्लाइंट्स आते हैं. आज भी अगर आप कैंपस आएँ तो आप देखेंगे कितने सारे इंटरनेशनल लोग वहाँ पर हैं. दे फील वेरी गुड. सो इट्स ऑल्सो अ ह्यूज गेन इन टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड विद जेवर कमिंग अप वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक टू हैव मोर एंड मोर बिजनेस एक्सपेंशन हियर इन गौतम बुद्ध नगर. वेरी क्विकली अबाउट आर CSR, आई विल रन अ क्विक ओवरव्यू सो दैट वी नो ईच अदर बेटर. हमें तो पता ही है कि पुलिस क्या करती है. इन फैक्ट वी फॉलो यू वेरी स्ट्रॉन्गली ऑन ट्विटर हैंडल्स एंड ऑल द वर्क दैट यू डू. बट आप लोगों को भी नहीं पता है पुलिस क्या-क्या करती है. पर हमें पता है कि वी आर वेरी सेफ एंड इन वेरी सेफ हैंड्स. जब केस होता है तो पब्लिक को तो केवल कोई नहीं रह सकता कि एक्यूज पीछे खड़े हुए हैं और पीस की हुई है और पता लग गया, लेकिन उसके पीछे कितने फंड होते हैं, उस क्या-क्या से मेरा मतलब है और क्या-क्या लगता है. Sure, it's a 24/7 job, जहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि आज संडे है या आज छुट्टी है. We have a very high level of respect for our police. और इसी को हम relationship को आज आगे बढ़ाने का एक बहुत unique एक कदम है, बहुत अलग एक कदम है. मैं आपको फिर से बधाई दूंगी कि यूपी में शायद ये पहली बार हो रहा है जहाँ CSR partners और पुलिस आज इस तरह की एक यूनिक बैठक में, अलग उल्लेखनीय बैठक में बैठकर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. अभी 20 नवंबर को यूनिवर्सल डे ऑफ चिल्ड्रन भी था, इंटरनेशनल डे ऑफ चिल्ड्रन, जब चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन जो पूरे वर्ल्ड ने रेटिफाई की है, भारत ने भी 1992 में रेटिफाई की, उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है पूरे भारत में. और ये जो सप्ताह है इसको हम बाल अधिकार सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं, चाइल्ड राइट्स वीक के रूप में भी मनाते हैं. सो इट्स अनदर वेरी आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक MOU इन दैट कॉन्टेक्स्ट व्हिच वी आर डेडिकेटिंग टू चिल्ड्रन ऑफ गौतम बुद्ध नगर. हमारा विजन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सोर्स कोड स्थापित करना. विद दैट विजन वी आर एंटरिंग दिस पार्टनरशिप. लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू. चार हमारे कार्यक्रम हैं, वो भी मेनली यूपी सेंट्रिक हैं. इससे समुदाय हरदोई में हमारा लगभग 100 करोड़ का एक कार्यक्रम चलता है प्रति वर्ष, जिसमें हम स्पेंड करते हैं. HCL ग्रांट आज की तारीख में 18 स्टेट्स में फैला हुआ है, जिसे भी हम दूर दराज के गांवों में जाते हैं. अभी मैं पिछले हफ्ते ही नागालैंड में थी, जहां पर परहैप्स वी आर द ओनली CSR पार्टनर्स.
एक्सेल उदय जिसके अंतर्गत आज ये पार्टनरशिप हो रही है, ये अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट को डेडिकेटेड हमारा कार्यक्रम है जिसमें 72 करोड़ की हमारी स्पेंडिंग है पूरे 11 शहरों में जहाँ एचसीएल की प्रेजेंस है. एंड द स्कोप ऑफ दिस प्रोग्राम इज लिमिटेड टू एचसीएल सिटीज, जहाँ हमारा कमिटमेंट है कि जिन शहरों में एचसीएल है वहाँ हम आगे से आगे बढ़कर वहाँ की कम्युनिटीज विच आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन और विच आर डिप्राइव्ड ऑफ रेगुलर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काम करें एंड वी हेल्प देम ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. पावर ऑफ वन हमारा एक वॉलंटियरिंग प्रोग्राम है. कभी भी आपको वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो हमें बताएं. वी हैव 29,000 पीपल वर्किंग इन नोएडा अलोन, 1,50,000 पीपल वर्किंग ग्लोबली एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट दिस ईयर वी हैव क्लॉक 160,000 वॉलंटियरिंग आवर्स. तो हमारे एम्प्लॉयज आगे से आगे बढ़कर चाहे चेन्नई में फ्लड्स हो, चाहे स्लम्स में फायर हो, कुछ भी हो, हमारे एम्प्लॉयज आगे आते हैं और अपना श्रमदान करते हैं बिना किसी रेम्यूनरेशन के. Saturdays, Sundays, evenings, they are always with us. Let's go next. Thousands of people are moving to cities in search of better opportunities, but are forced to pile up in cramped slums, struggling to access even basic amenities of life, posing distinct challenges, especially for the vulnerable groups such as women, children, and the old. While cities are trying to deal with the situation at hand, the numbers are growing up every day. What the situation really needs is an immediate response from a collective force of the social structure to create solutions. One such effort is HCL for them. HCL Uday is an initiative that HCL Foundation has taken, where HCL tries and responds towards its immediate neighborhood, wherein we are able to create models, wherein we are able to respond in a very sustained way and work with the immediate duty bearer and stakeholders to find solutions which can work at scale. The intent here is to take up the challenge of addressing the disparity and ensure equal human rights for people who live in cities. It is predominantly a program where we address urban poverty and we try and break the cycle of urban poverty. HCL Uday currently has presence in 11 Indian cities, primarily working on 4 key areas, which are education, health and sanitation, livelihood opportunities and environment, to create clean, green and healthy communities. The approach of Uday is built on the idea of convergence, where all the stakeholders like state government, NGOs, HCL employees join hands on one platform and work together with the community and support them to break their cycle of poverty. Uday improves accessibility through two ways. On one hand, it bridges the gap between people and government entitlements through advocacy and awareness generation, and on the other hand, it supports by either improving the existing infrastructure or by creating new resources where common facilities.